झारखंड में कोरोना वायरस का खौफ देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते होली में भी लोग एक दूसरे से दूर अपने घर में ही वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं। हालांकि रिम्स ने भी अपनी ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने अपने तरफ से निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत लोगों से भीड़ और सामूहिक कार्यक्रमों से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी अस्पतालों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स ने भी कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने एकत्रित रोग निगरानी कार्यक्रम और जिला सर्विलांस इकाई के द्वारा हर दिन सत निगरानी की जा रही है। होली के लिए हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनको भी हम लोग ने सजग कर दिया है, क्योंकि होली में आप जानते हैं कि बहुत इंजरी वगैरह होती है, या लोग होली इस तरह से लगा देते हैं, या लोग जो है नशा उसा करके गिर उड़ जाते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार खड़ा है। विभाग ने अपने स्तर से एहतियाती कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी उपायुक्त को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसको लेकर विभाग ने 24 घंटे सातों दिन सक्रिय कंट्रोल रूम बनाया है। उसका संपर्क नंबर है 9955837428। इसके साथ कोरोना को लेकर रिम्स के आइसोलेशन कंट्रोल रूम का भी टेलीफोन नंबर 0651254200 सक्रिय किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए रिम्स के सभी डॉक्टर्स को कार्यशाला आयोजित कर जागरूक किया जा चुका है। भी नागरिक होली मनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि अभी देश में जो एक संक्रमण फैलने की संभावना है उसे देखते हुए जो जहां पर कॉन्ग्रीगेशन होता है, जहां बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, वहां संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे स्थानों को हमें अवॉइड करना चाहिए और यहां प्रयास करना चाहिए कि स्वस्थ रूप से आनंद होली का आनंद उठाए। जब छुट्टियों का ऐसे त्योहारों का मौसम होता है तो ऐसे मौसम पर अस्पताल और राज्य की पुलिस व्यवस्था पर भार बढ़ जाता है। मैं फिर भी इसीलिए कह रहा हूँ कि छुट्टियाँ मनाएं और सेफ रहें, जिससे कि राज्य प्रशासन पर भी कोई बोझ न पड़े और अस्पताल पर भी कोई एक्स्ट्रा बोझ न पड़े। सेफ रहना चाहिए, अपने घर में होली खेलें, अपने छत पर होली खेलें, अपने परिवार के साथ होली खेलें। अभी तक राज्य के अस्पतालों में कुल 102 आइसोलेशन बेड को चिन्हित किया जा चुका है। कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती कदम को लेकर आम जनों में जागरूकता को व्यवहार में लाने की अपील खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कर चुके हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि झारखंड इस वायरस से हमेशा दूर ही रहेगा। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। सच है तो दिखेगा।